फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मास्टर में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे, अगर कुंडली में शुक्र सातवें भाव में स्थित है तो वो जीवन में आपको किस तरह के फल देगा। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शुक्र जीवन में किन चीज़ों को देखता है और सातवां भाव किन चीज़ों को देखता है। कालपुरुष की कुंडली में सातवां भाव तुला राशि के अधीन है, तुला का स्वामी बनता है शुक्र, तो मतलब शुक्र के अधीन हुआ सातवां भाव। अब यहाँ पे शनि उचके भी होते हैं, शनि तुला में उचके हैं, सूर्य यहाँ पे आ जाए तो नीच का है। अब शुक्र को हम वैवाहिक जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट मानते हैं, फीमेल की कुंडली में स्पेशली जुपिटर का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है वैवाहिक जीवन के लिए, और पुरुष की कुंडली में शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, और वैसे भी संबंधों के लिए शुक्र का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो शुक्र अपने ही घर में आएगा तो वो किस तरह के फल देगा, तो सातवें भाव को जान ले। सातवां भाव जो है वो दिखाता है आपका लाइफ पार्टनर, आपका स्पाउस या आपका बिजनेस पार्टनर। बिजनेस, जिस तरह हम सिक्स हाउस से हम जॉब देखते हैं उसी तरह हम सेवन्थ हाउस से बिजनेस देखते हैं, और जो आपकी एग्रीमेंट्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या ट्रीटीज़ हैं या फॉरेन से रिलेटेड एक्टिविटी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है या आपकी पब्लिक लाइफ है, वो भी हम सेवन्थ हाउस से देखते हैं। आपके जो अपोनेंट हैं, आपके जो एनिमीज हैं, जो आपके सामने खड़े होते हैं, आपकी आँखों में आँख डाल के बात करते हैं, वो सारे लोग जो आपके अपोजिट खड़े हैं वो सब सेवन्थ हाउस में हैं। आपका जो लाइफ पार्टनर है वो भी आपके सामने खड़ा होता है, आपकी आँखों में डाल के बात करता है, इसलिए वो आपके इतने का अपोनेंट भी है, तो वो भी हम यहीं से देखते हैं। पेट के नीचे का हिस्सा, पेट को भी देखते हैं, पेट के नीचे का हिस्सा भी देखते हैं इसमें, और हम ये जो सेवन्थ हाउस है इसको मैरिड लाइफ के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मानते हैं। अब जो सेवन्थ हाउस के अलावा अब हम देखते हैं शुक्र की चीज़ों को देखता है। शुक्र ग्रह है वो विलासिता का ग्रह है, सुख का कारक है, वो शारीरिक सुख का कारक है। आपका सेक्सुअल प्लेजर है, सेंसुअल प्लेजर है, या मीडिया, एंटरटेनमेंट, फूड, क्लोथ्स, रेडीमेड गारमेंट्स या कॉस्मेटिक्स, ज्वेलरी, टूर एंड ट्रैवल, टूरिज्म, फाइन आर्ट्स, डिज़ाइन, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब शुक्र की हैं। ऑटोमोबाइल भी शुक्र का है। तो आपके जीवन में हम देखें तो स्त्री का कारक ग्रह भी शुक्र होता है, और शुक्र से ही आपके जीवन की सुख समृद्धि है वो देखी जाती है, चाहे व्हीकल है, मकान है, प्रॉपर्टी है, मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी लाइफ के बारे में जो पॉजिटिविटी है उसका लेवल क्या है, ये सब शुक्र से है। आपकी पत्नी का स्वास्थ्य कैसा है, घर में स्त्रियों का स्वास्थ्य कैसा है, इससे पता चलता है। तो शुक्र का सेवन्थ हाउस में आ जाना, क्योंकि शुक्र यहाँ पे अपनी ही राशि में आएगा, इसका मतलब यहाँ पे शुक्र अच्छे फल देगा। तो शुक्र अगर अकेला आता है सेवन्थ हाउस में किसी भी कुंडली में तो बहुत ज़्यादा शुभ फल मिलेंगे, ये बिल्कुल निश्चित है। किसी भी राशि में हो, किसी भी साइन में हो, किसी भी नक्षत्र में हो, बस उसका बल सही होना चाहिए, डिग्री में स्ट्रांग होना चाहिए, फिर अच्छे रिजल्ट ही देगा शुक्र। फाइनल पोजीशन तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कुंडली देखवाएंगे, वो आपको तभी बता पाएगा पूरी कुंडली देखने के बाद कि वास्तविक शुक्र की क्या स्थिति है। लेकिन हम ही मान के चल रहे हैं सामान्य स्थिति में अगर शुक्र अकेला सेवन्थ हाउस में है तो क्या फल देगा। यहाँ पे आपको आपका जो पार्टनर है वो अच्छा होगा, उसका रंग रूप बढ़िया होगा, उसके और आपके जो टर्म होंगे, जो रिलेशन होंगे वो भी अच्छे होंगे, अच्छी समझ होगी। आपके विवाह के बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा, चाहे कोई भी हो, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, विवाह के बाद जीवन में तरक्की होती है, और उनका जो पेट संबंधित रोग होते हैं नीचे के वो नहीं होते, वो इनसे बचे रहते हैं, उनके जीवन में सुख समृद्धि ये अच्छा रहता है, पब्लिक में उनकी इमेज बढ़िया रहती है, शत्रु उनको परेशान नहीं कर पाते, और जीवन में उनके रोमांस और सेक्स बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन ये अकेले शुक्र के साथ है, इसके साथ दूसरे ग्रह कोई बैठ गए हैं तो यहाँ पे कोई भी ग्रह शुभ फल नहीं देगा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप नोट कर लें, चाहे कोई का नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट हो, चाहे शुक्र, बुध और गुरु, ये भी बैठ गए तो भी शुभ फल नहीं दे पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ये मार्ग भाव भी है, दूसरा और सातवां कुंडली में मार्ग भाव भी है। अब मैं बताता हूँ आपको, अगर यहाँ पे
दूसरे ग्रह बैठते तो क्या फल देंगे, अगर सूर्य बैठता है तो प्रॉब्लम होती है आपकी मैरिड लाइफ में, दोनों इगोइस्टिक हो जाते हैं और दोनों अपने आप को या तो ओवर डिसिप्लिन हो जाता है आदमी, या बात बात के अंदर कमी निकालना, या अपनी फैमिली को लेकर ज़्यादा प्राइड की बातें करेगा, वो अहंकार की बातें करेगा, इसलिए दोनों में ईगो क्लैश होता है और परिवार में झगड़ा होता है। अगर चंद्र आता है वो भी स्त्री ग्रह है, शुक्र भी स्त्री ग्रह है, अगर यहाँ पे चंद्र आया है तो अगर विशेषकर पुरुष की कुंडली में तो दो विवाह के योग बनते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनेगा, क्योंकि दो विवाह का मतलब ये होता है दोस्तों, आप ये मत मानिए कि कुंडली में हम ये देखें कि इस व्यक्ति के फेरे हुए कि नहीं, दूसरी शादी कब हुई है, नहीं, एक शादी वो होती है जो सोसाइटी में एक्सेप्टेबल है, अरेंज मैरिज है, अलाउ मैरिज है, और एक होता है वो आपके अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हैं या आप कहीं और पैरेलली एक मैरिड लाइफ जी रहे हैं या आपके कोई फिजिकल रिलेशन हैं ऑलरेडी, तो वो भी दो विवाह के बराबर ही है। कई बार पंडित जी बोल देते हैं कि इसके दो विवाह के योग है, तो आप सोचते हो कि दो विवाह तो हुए नहीं, कोई बात नहीं, दो विवाह नहीं हुए, इसके और कहीं भी रिलेशन हैं, इसका मतलब ये होता है। बुध आता है, बुध यहाँ पे आके बिल्कुल अशुभ है, भले ही शुक्र का मित्र है, अगर यहाँ पे आया तो नापुंसकता की प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, क्योंकि बुध अपने आप में नापुंसक ग्रह है, तो संतान को लेके समस्याएं होंगी या फिजिकल रिलेशन में कुछ ना कुछ कहीं प्रॉब्लम हो जाएगी, इम्पोटेंसी की प्रॉब्लम हो सकती है या कोई वेंस का प्रॉब्लम हो सकता है। अगर जुपिटर आता है, जुपिटर वैसे ही स्पिरिचुअल प्लैनेट है और वीनस जो है वो दैत्य गुरु है और वो देवगुरु है, दोनों का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, वो दोनों आपको अलग अलग दिशाओं में खींचेंगे। जुपिटर आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ खींचता है, शुक्र आपको भौतिकता की तरफ खींचता है, और अंत में ये होता है आप कहीं भी नहीं पहुंच पाते, मतलब आप बीच में अटक जाते हो। लाल किताब तो ये बोलती है कि सेवंथ का बृहस्पति गृहस्थी में बसा साधु, मतलब ये व्यक्ति ना गृहस्थी में अच्छा कर पाएगा, ना बिजनेस या व्यवसाय या सांसारिक चीज़ों में अच्छा कर पाएगा, वो बीच में अटक जाएगा। तो बृहस्पति का तो वैसे भी यहाँ आना ठीक नहीं है, वो शादी के अंदर रुचि खत्म कर देता है। शनि यहाँ पे आता है तो शनि का यहाँ पे आना, शनि भले ही यहाँ उच्च का होता हो, शुक्र का परम मित्र हो, लेकिन नहीं, शुक्र यहाँ पे आना जीवन में नीरसता पैदा करेगा, वैवाहिक जीवन में, बच्चों में डिले कर सकता है, रिलेशनशिप जो है उनके अंदर एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये प्रॉब्लम करेगा शनि यहाँ पे। अगर यहाँ पे राहु केतु आते हैं तो वो आप एक दूसरे पे शक करना, कुतर्क करना और आर्ग्यूमेंट करना एक दूसरे के साथ, ऐसी स्थिति होती है, और कई बार राहु केतु या एक दो या तीन ज़्यादा प्लैनेट्स इकट्ठे हो जाते हैं और मैलिफिक इन्फ्लुएंस आ जाता है सेवंथ हाउस पर, तब जाके डाइवोर्स या सेपरेशन जैसी स्थिति बनती है। तो अकेला शुक्र ही ठीक है, बाकी दूसरे को युति में एस्पेक्ट में ठीक नहीं है शुक्र यहाँ पे। अब दोस्तों जिनका हमें मान के चलें कि नेगेटिव है शुक्र, उनको क्या उपाय करने चाहिए, उनको दोस्तों शुक्रवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन कोई भी उपाय करने से पहले किसी योग ज्योति से कुंडली दिखा लीजिए, वही उपाय करिए, अन्यथा अपने आप को एक्सपेरिमेंट मत करिए, कोई रेमेडी बाउंस बैक कर गई तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सफ़ेद कपड़े पहनिए, माँ दुर्गा का या माता लक्ष्मी का आप पूजा पाठ करें, आराधना करें, उपासना करें, आप रत्न धारण कर सकते हैं, बशर्ते आप किसी जो योग ज्योति से परामर्श अवश्य कर लें पहले। आप सफ़ेद ओपल या हीरा या सफ़ेद पुखराज, इनमें से कोई भी एक धारण कर सकते हैं। आप सफ़ेद फूल आप भगवान शिव शिवलिंग पे चढ़ाइए, भगवान शिव जी की आराधना करिए, ये आपको लाभ देगा। शुक्र के मंत्र भी जप कर सकते हैं आप, सप्तक की माला भी पहन सकते हैं। कन्याओं को आप भोजन करा के उनके पैर छू के आशीर्वाद ले सकते हैं और स्त्रियों का सम्मान करें, ये शुक्र के उपाय हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना दोस्तों, थैंक यू।